कमाल क्रिकेट के एक और एपिसोड में आप सभी लोगों का स्वागत है। और भैया आज आएगा मज़ा, इसलिए आएगा ना क्योंकि आज जो मुकाबला है वो ताबड़तोड़ है, वेस्ट इंडीज़ और भारत के बीच पहला T20 इंटरनेशनल मुकाबला। और आपको पता होता है कि जब आप वेस्ट इंडीज़ के अगेंस्ट T20s खेलोगे ना तो फाइट देखने को मिलेगी, तगड़ी फाइट देखने को मिलेगी और इसी का पूरा मज़ा आता है। तो ऐसे में वेस्ट इंडीज़ और भारत के बीच पहला T20 इंटरनेशनल मुकाबला रात 8 बजे से भारतीय समय अनुसार शुरू होता हुआ नज़र आएगा त्रिनिदाद में। और ध्यान रहे, मैं शुरुआत करना चाहूंगा वेदर रिपोर्ट के साथ, क्योंकि मैं आपको बता दूं कि 80% चांसेस ऑफ रेन है आज मुकाबले के दौरान, यानी कि बारिश का खलल तो आपको मैच में देखने को मिलेगा। और ये मौसम भी थोड़ा सा मॉनसून वाला है वेस्ट इंडीज में, वहां पर बारिश होती रहती है। एंड स्पेशली ये बताया गया है कि जब मुकाबले की शुरुआत की टाइमिंग है, यानी कि वहां पर लगभग सुबह होती रहेगी, एकदम सुबह का टाइम रहेगा, तो बारिश के शावर्स के अनुमान है। अब देखिए, बारिश का खलल आता है तो आप हम परेशान होते हैं कि भाई कब मुकाबला शुरू होगा, कब पता चलेगा, क्या अपडेट है। ये सारी अपडेट आपको पता है सिर्फ और सिर्फ हमारे टेलीग्राम चैनल @DrCrickPoint पर। लाइव अपडेट्स, लाइव विजुअल्स आपको मैदान से मिलते रहते हैं, पल पल की खबरें मिलती रहती हैं। तो ऐसे में अगर आज भी ऐसा आए, पहली बात तो हम उम्मीद करेंगे ना हो, लेकिन अगर ऐसा हो तो आप पहले से ही रेडी रहिए भैया। जो डिस्क्रिप्शन एंड कॉमेंट बॉक्स में पिंड लिंक है टेलीग्राम की, वहां पर जाकर हमें फॉलो कर लीजिए ताकि इस तरीके की अपडेट्स मैं आप लोगों को लगातार देता रहूंगा। और फैंटेसी 11 भी तो भैया वहीं पर मिलेगी। खैर, अब हम शुरुआत करते हैं, सबसे पहले खबर की बात कर लेते हैं। और पहली खबर यहां पर क्या है कि फाइनली वेस्ट इंडीज ने T20 इंटरनेशनल स्क्वाड भारत के खिलाफ घोषित कर दिया। मतलब मुझे लग रहा था क्या मैच के बाद ही करोगे भाई, लेकिन कर दिया रात, मतलब देर सवेर इन्होंने। और उसमें जो सबसे बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है भैया, वो देखने को मिल रहा है कि शिमरॉन हेटमायर की वापसी हो गई है। तो हेटमायर साहब को आज हम हो सकता है एडमायर करें, हो सकता है आज वो प्लेइंग 11 में आए। और एक बात और बता देता हूं कि आज मुकाबले के पहले और मुकाबले के बाद हम अपना लाइव इंटरेक्ट करेंगे, तो याद रखिएगा, नोटिफिकेशन बेल ऑन रखिएगा ताकि जैसे ही मैं लाइव आऊँ आप लोगों तक नोटिफिकेशन पहुंचे और उसके बाद हम गुफ्तगू करें, प्रीव्यू करें, रिव्यू करें, पूरा मज़ा करें। बस यही मोटिव है कि मज़ा आना चाहिए भैया। खैर, स्क्वाड आप लोगों ने देख लिया, जिसमें जैसा मैंने बताया शिमरॉन हेटमायर की वापसी हुई, वेन लुइस को जगह नहीं मिली है, कुछ खिलाड़ी इंजर्ड थे तो उनको भी जगह नहीं मिली है। और कुछ इस तरीके का स्क्वाड जिसमें पूरन साहब कप्तान है और पावेल वाइस कप्तान है हमें नज़र आ रहा है। के बाद दोस्तों जो नेक्स्ट अपडेट है, बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है विराट कोहली को लेकर जो अश्विन कृष्णन ने शेयर की है। उन्होंने बताया कि 2013 में जब हम गए थे लॉस एंजलिस, वहां पर विराट कोहली को साइन करने के लिए एक ब्रांड एंडोर्समेंट में बेसिकली, तो उन्होंने मतलब बताया कि इस कहानी को नैरेट करते हुए कि हमारे सामने विराट कोहली आकर बैठे अपने मैनेजर के साथ और उसके बाद हम डिस्कशन कर ही रहे थे, तो विराट की एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइन जो मेरे साथ रह गई वो ये थी कि उन्होंने बोला कि वनडे में तो मैं पाजी यानी कि सचिन तेंदुलकर को पकड़ लूंगा, यानी कि उन्हें पीछे छोड़ दूंगा। एंड ही वॉज टॉकिंग अबाउट द सेंचुरीज, नंबर ऑफ सेंचुरीज जितना सचिन सर ने स्कोर की है, मारी है, विराट उस वक्त कह रहे थे। देखिए, ये दिखाता है कि कितना ज्यादा कॉन्फिडेंस था इस खिलाड़ी को अपनी एबिलिटी पर। 2013 में उन्होंने बोला था कि भाई मैं पीछे छोड़ दूंगा और अब आसपास पहुंच चुके हैं, एक बार अगर फॉर्म और वापस आ गई ना तो बहुत अच्छा, बहुत बेहतर कर भी सकते हैं विराट कोहली। और उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट अपडेट, यहां पर स्कॉट स्टाइरिस ने विराट कोहली पर ही एक बड़ा बयान दिया और उन्होंने बोला कि जिम्बाब्वे सीरीज को लेकर जो हम आप कह रहे हैं और जो मैं बार बार आपसे कह रहा था कि यार मेरे को सेंस समझ नहीं आ रहा विराट कोहली क्यों जिम्बाब्वे सीरीज खेलेंगे, लेकिन वही बात है कि शायद बीसीसीआई ऑफिशियल्स चाहते हैं। तो उस पर स्कॉट स्टाइरिस ने बोला कि देखो यार, ये तो लूज लूज ही चीज़ है, इसमें जीत कहीं है नहीं विराट कोहली की, टू बी वेरी फ्रैंक विथ यू, क्योंकि आप चाहते हो ना कि विराट कंप्लीट ब्रेक लें और उसके बाद वापसी करें। अभी आप जिम्बाब्वे के खिलाफ उनको खिला भी दो, उनका शतक आ भी गया, हो सकता है कॉन्फिडेंस थोड़ा बहुत आए, बट वो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल नहीं होगा क्योंकि आप वीक टीम के खिलाफ खेल रहे हो, बहुत ही वीक टीम के खिलाफ खेल रहे हो, तो उस चीज का कोई सेंस बनता नहीं है क्योंकि आपको फॉर्म में स्ट्रॉन्ग टीम के अगेंस्ट खेलना रहेगा। एशिया कप, T20 वर्ल्ड कप, मेगा इवेंट्स, बड़े इवेंट्स, आपको बहुत तगड़ी तगड़ी टीम और बहुत ही डिफरेंट कंडीशंस में मिलेंगी, तो इससे ज्यादा बेहतर यह है कि यार आप आराम से ब्रेक लो, आप प्रैक्टिस करो अच्छे से और उसके बाद वापसी करो। हालांकि ये बात सेलेक्टर्स और जो ऑफिशियल्स हैं, जो यहां पर हमारे टीम मैनेजमेंट है, उनको ज्यादा बेहतर तरीके से पता होगी। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट अपडेट, अब देखो भाई यार, हाल फिलहाल में ना T20 लीग्स को लेकर इतनी अपडेट आई है और इतना बवाल चल रहा है, वो साउथ अफ्रीकन T20 लीग, UAE T20 लीग, ये लोग आपस में एकदम फाइट कर रहे हैं कि भाई हमें चाहिए बिग बैश, ये तीन कि हमारे प्लेयर्स, क्योंकि सेम टाइम पे तीनों को ही जो है अपना अपना कैंपेन स्टार्ट कराना है। तो अभी क्या हुआ, डेविड वार्नर को लगभग 17 करोड़ रुपए ऑफर किया है 3 साल की डील के लिए UAE T20 लीग को ज्वाइन करने के लिए, यानी कि UAE T20 लीग ने उन्हें 17 करोड़ रुपए ऑफर किए हैं 3 साल की डील के लिए। और ध्यान रखना, ये बहुत ज्यादा रकम है, ये IPL के बाद सबसे ज्यादा रकम है जो
यूएई टी20 लीग ऑफर कर रही है। अब बिग बैश वाले डेफिनेटली इस पर बोर आ गए, उनका दिमाग खराब हो गया कि भाई हमारा बिग बैश है और डेविड वार्नर छोड़कर जाएंगे यूएई टी20 लीग खेलने, भाई ये तो एथिक्स के ही खिलाफ है, ये सभी चीजों के खिलाफ है। तो कहीं ना कहीं काफी कुछ बवाल चला और उसके बाद क्या हुआ वो भी मैं आपको बताऊंगा, लेकिन उसके पहले मैं आपको ये भी बता दूं कि यूएई टी20 लीग के जो टॉप प्लेयर्स हैं उन्हें लगभग 3.5 करोड़ रुपए या फिर उससे भी ज्यादा हर सीजन देने को तैयार है यूएई का जो गवर्निंग बॉडी, और उसमें बहुत बड़ा रोल आईपीएल का है क्योंकि आईपीएल की जो फ्रेंचाइजेज हैं वही बैक कर रही हैं, जो पैसे इन्वेस्ट कर रहे हैं वो सब हम ही कर रहे हैं, पैसे सारे हमारे ही जा रहे हैं, आप परेशान मत होइए। खैर इसके बाद तुरंत क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने क्या किया, देखिए मैंने बताया ना वो बोर आ गए थे बीबीएल को सुन के कि भाई साहब हमारे प्लेयर बीबीएल नहीं खेलेंगे, जाके कहीं और खेलेंगे, वो भी सेम टाइम पे उन्होंने बोला कि भाई साहब हम प्लान कर रहे हैं यहां पर बीबीएल कॉन्ट्रैक्ट देने का। कल अभी कमाल क्रिकेट के एपिसोड में हमने डिस्कस किया था कि कोई कॉन्ट्रैक्ट बीबीएल का स्पेशली क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया नहीं देता, इसलिए वो किसी खिलाड़ी को बाउंड भी नहीं कर सकते, लेकिन अब क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया प्लान कर रहे हैं कि हम देंगे कॉन्ट्रैक्ट लेकिन भैया हम जाने तो नहीं देंगे, जाओ जो करना है कर लो, अगर जाना है तो फिर वर्ल्ड कप से रिटायरमेंट लेके जाओ, मतलब टी20 से रिटायरमेंट लेके जाओ, जो रिटायरमेंट लेगा वही फ्री हो सकता है, नहीं तो नहीं होगा। तो फिर डेविड वार्नर, स्टीव स्मिथ, पैट कमिंस, इन सबको बाउंड किया जा रहा है कि जब बीबीएल होगा आप कोई और लीग नहीं खेल सकते, जिसका मतलब है आप यूएई टी20 लीग, साउथ अफ्रीकन टी20 लीग आप कहीं भी पार्टिसिपेट नहीं कर पाओगे अगर ये जो कॉन्ट्रैक्ट है ये सक्सेसफुली क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया प्रोवाइड करता है। तो इस वक्त बहुत बुरा मैच चल रहा है लीग्स को लेकर और बहुत बुरी फाइट चल रही है बेसिकली खिलाड़ियों को भी लेकर। खैर इसके बाद दोस्तों मैं आप लोग को ये भी बता दूं कि साउथ अफ्रीकन टी20 लीग भैया जो नेक्स्ट ईयर स्टार्ट हो रही है जनवरी फरवरी के आसपास, वहां पर 25 क्रिकेटर्स को साइन कर लिया है, लगभग विदेशी 25 क्रिकेटर्स को टीम ने, जिसमें जेसन रॉयल, लियाम लिविंगस्टन, ओइन मॉर्गन, सैम करन जैसे बड़े बड़े नाम हैं जिनको कोई ना कोई टीम साइन कर चुकी है, और आपको पता है कि उसमें पूरा आईपीएल का इन्फ्लुएंस है, 6 की 6 टीमें ही हमारी हैं। तो जाहिर सी बात है हमारे जितने भी प्लेयर्स हैं अब चेन्नई के जो रहे होंगे, जो है मुंबई के रहे होंगे, उनको तुरंत कॉल घुमाया होगा कि भैया चलो अभी साउथ अफ्रीका में भी खेलना है, अब आईपीएल नहीं है, अब वहां तक लिमिटेड नहीं है, उधर भी चलो हमारे लिए खेलो। तो भाई साहब वो सारे क्रिकेटर्स 100% रेडी होंगे ही। और मैं आपको ये भी बता दूं कि केकेआर टीम ने सुनील नारायण और आंद्रे रसल को यूएई टी20 लीग के लिए, तो वहीं पर दिल्ली कैपिटल्स ने शिमरॉन हेटमायर एंड रोमन पावेल को साइन किया है। दिल्ली कैपिटल्स के बेसिकली जो इन्वेस्टर्स हैं उन्होंने यूएई टी20 लीग में भी इन्वेस्ट किया है, तो उन्होंने हेटमायर पावेल को साइन कर लिया और केकेआर ने यहां पर सुनील नारायण एंड आंद्रे रसल को यूएई टी20 लीग के लिए साइन कर लिया, जो कि अल्टीमेटली होना है भैया उन्हीं के लिए, आईपीएल खेलते हो तो उनके लिए जाकर आप यूएई टी20 लीग भी खेल दोगे। और इसके बाद दोस्तों अब हम आगे बढ़ते हैं कुछ और खबरों की तरफ। तो एडम गिलक्रिस्ट ने यहां पर बड़ा बयान दिया भारतीय प्लेयर के फॉरेन टी20 लीग में खेलने के लिए। मैंने आपको बताया सितंबर में मीटिंग में बात होगी इस चीज़ को लेकर, और एडम गिलक्रिस्ट ने यही बोला कि ये बहुत ज़्यादा बेहतरीन होगा, वंडरफुल होगा अगर भारतीय प्लेयर्स पार्टिसिपेट करें फॉरेन टी20 लीग में, और मुझे समझ नहीं आता कि भाई वो लोग क्यों पार्टिसिपेट नहीं करते, कोई लॉजिकल रीज़न भी BCCI की तरफ से नहीं आता इस चीज़ को लेकर। तो देखना है भाई साहब अब BCCI आखिर क्या फैसला लेती है। और उसके बाद दोस्तों लास्ट बट नॉट द लीस्ट अपडेट जो कि है रॉबिन उथप्पा से, रॉबिन उथप्पा ने यहाँ पर बड़ा अच्छा स्टेटमेंट दिया CSK के बारे में, उनके एक्सपीरियंस के बारे में। उन्होंने बोला कि भाई साहब जब मैं CSK में गया ना, लगभग मैं 13 साल के बाद माही के साथ खेलने जा रहा था इस बार, और मैं बड़ा कंफ्यूज था, मैं वहां पहुंचा सब लोग माही सर माही भाई बुला रहे हैं माही को, अब मैं सोच रहा हूं मतलब हम तो साथ साथ खेले हुए हैं, तो मैं उनसे जाकर मैंने पूछ ही लिया, मैंने बोला कि क्या सीन है, मतलब मुझे भी ऐसा कुछ करना पड़ेगा क्या। तो उन्होंने बोला कि माही ने जवाब दिया कि आई एम द सेम पर्सन, भाई कोई बदलाव करने की जरूरत नहीं है, जैसे अपन थे वैसे रहते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो रॉबिन उथप्पा ने बताया कि मैं एकमात्र पूरे टीम में मेंबर था जो माही को माही बुलाता था, बाकी सब लोग माही भाई और माही सर बुलाते थे। तो बहुत ही स्वीट सा और बहुत ही बेहतरीन यहां पर जो है एक इंसिडेंट शेयर किया रॉबिन उथप्पा ने महेंद्र सिंह धोनी और CSK टीम को लेकर। और उसके बाद अब हम दोस्तों बात कर लेते हैं स्टैट्स ऑफ द डे के बारे में। देखिए आज नाच टी20 इंटरनेशनल कारवां है, आज बड़े टी20 के मुकाबले हो रहे हैं ऑल अक्रॉस द ग्लोब, अब उसी में एक कंपटीशन भी होगा मार्टिन गप्टिल और रोहित शर्मा को लेकर। मार्टिन गप्टिल ने अभी पिछले मुकाबले में ओवरटेक कर दिया, रोहित शर्मा से आगे निकल गए सबसे ज़्यादा रनों के मामले में टी20 इंटरनेशनल में। तो रोहित शर्मा और मार्टिन गप्टिल दोनों ही आज मैदान पर होंगे अलग अलग टीमों के खिलाफ, जो ज़्यादा रन बनाएगा भैया वो आगे निकलेगा।
तो कंपटीशन आज तगड़ा होने वाला है। और मेरा सवाल क्या है, सवाल है कौन जीतेगा मुकाबला भैया, बताओ फटाफट से बताइए कमेंट सेक्शन में लिखकर। और हम जब लाइव जुड़ेंगे आपसे आज शाम को, मैं लगभग सोच रहा हूँ 7 बजे आते हैं, 7 से 7:30 लाइव रहते हैं, टॉस तक रहेंगे थोड़ा सा और डिस्कस करते हैं, तो उस टाइम आप लोग मेरे साथ जरूर से जरूर जुड़िए ताकि थोड़ा सा मजा आए, थोड़ी सी बातचीत की जाए मुकाबले को लेकर, प्लेइंग 11 एंड ऑल वी आर गोना डिस्कस। एंड बाकी मिलते हैं बहुत जल्द एक और इंटरेस्टिंग एंड फैंटास्टिक वीडियो के साथ। टेलीग्राम पर फॉलो करना मत भूलें। बाकी टेक केयर, गुड बाय, थैंक यू सो मच।